नमस्कार दोस्तों अगर आप एक फ्रेशर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर हैं और जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वीडियो अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे एक फ्रेशर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर जॉब इंटरव्यू में इंप्रेसिव इंट्रोडक्शन दे सकता है दोस्तों सेल्फ इंट्रोडक्शन के अंत में मैं आपको बताऊंगा इस सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में तीन इंपॉर्टेंट बातें जो आपके लिए जानना बेहद इंपॉर्टेंट है तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और प्रैक्टिकली सीखते हैं आइए दोस्तों बिना वक्त बर्बाद किए हुए इस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर के सेल्फ इंट्रोडक्शन पर एक नजर डालते हैं गुड मॉर्निंग सर माई नेम इज देवर्षि मिश्रा आई एम फ्रॉम न्यू डेली आई कंप्लीटेड माई स्कूलिंग फ्रॉम सी बी एस सी बोर्ड एम अ बी टेक ग्रेजुएट इन प्रोफेशन नॉलेज ऑफ सी सी प्लस प्लस पी एल सी आई कंप्लीटेड माई समर ट्रेनिंग In embedded systems from 000 Technologies Private Limited. I have good technical knowledge of PCB design, EDA tools, and electromagnetic systems. I completed my college project on satellite communication. I'm a team player with excellent communication skills who aspires to start his career in electronics engineering with a growth oriented organization. दोस्तों इस सेल्फ इंट्रोडक्शन को हिंदी में एक्सप्लेन करने से पहले आपको इसके बारे में तीन खास बातें बता दूं सबसे पहली इस सेल्फ इंट्रोडक्शन में कैंडिडेट ने अपनी स्कूलिंग एडुकेशन टेक्निकल स्किल्स समर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट पर्सनालिटी ट्रेड्स स्ट्रेंथ शॉर्ट टर्म गोल्स के अलावा ये भी बताने की कोशिश की है कि उसको कौन कौन सी लैंग्वेजेज आती है वो कौन कौन से प्र... सॉफ्टवेयर को चलाने में सक्षम है अगर आप गौर से देखेंगे तो इस सेल्फ इंट्रोडक्शन में हॉबीज को इंक्लूड नहीं किया गया याद है याद रखिए एचआर या इंटरव्यूअर जब कभी भी आपका इंटरव्यू लेता है तो आपकी हॉबीज से ज़्यादा आपकी स्किल्स पर्सनालिटी और गोल्स के बारे में जानना चाहता है तो उसे वही चीज़ पहले बताएं नंबर टू सेल्फ इंट्रोडक्शन की शुरुआती 30 से 40 सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसीलिए शुरुआत से ही स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पर फोकस करें आप देख सकते हैं इस सेल्फ इंट्रोडक्शन में वही करने की कोशिश की गई है और हाँ दूसरी चीज़ याद रखिए किसी भी तरीके की शुरुआती ग्रामेटिकल मिस्टेक ना करें आइए बात करते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट बात की यह सेल्फ इंट्रोडक्शन 80 बाई 20 मेथड पर बेस्ड है जिससे 80 परसेंट आपको अपनी की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पर फोकस करना होता है और 20 परसेंट जनरल इन्फॉर्मेशन देनी होती है याद रखिए जब कभी भी आप जॉब इंटरव्यू देते हैं तो इस तरीके का मेथड आपके सेल्फ इंट्रोडक्शन को बेहद प्रभावशाली बनाता है आई दोस्तों फाइनली बात करते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन की हिंदी अर्थ की तो वो कुछ इस प्रकार संचार कौशल वाला टीम प्लेयर हूँ जो एक ग्रोथ ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में अपना करियर शुरू करने की इच्छा रखता है तो इस तरीके से आप एक स्पेसिफिक सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं और इंटरव्यू में एचआर और इंटरव्यूअर को बेहद प्रभावित कर सकते हैं दोस्तों वीडियो के अंत में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक दे रखे हैं आप उन वीडियोस को देखकर सीख सकते हैं आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया